दोस्तों वैसे तो आप लोग ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि OnePlus Nord जो कि काफी सक्सेसफुल स्मार्टफोन रहा है OnePlus की तरफ से। OnePlus का फर्स्ट ऐसा फोन था जो कि अंडर 30,000 में था और जो कि काफी ज्यादा बिका था। एक 5G फोन है और आज भी लोग इसे परचेज करते हैं। अगर अंडर 30,000 में कोई अच्छा सा स्मार्टफोन लेना हो तो लोग आज भी इसे स्मार्टफोन को प्रेफर करते हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे इसी का दूसरा वर्जन यानी कि OnePlus Nord 2 के बारे में। इसके बारे में भी कुछ लीक निकल के सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस स्मार्टफोन आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि रैम, स्टोरेज, प्रोसेसर, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरे डिटेल बात करने वाले हैं। तो बात करें हम इसी स्मार्टफोन के डिस्प्ले को लेकर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 6.43 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले और ये पंच होल डिजाइन के साथ आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसके अंदर में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसका जो स्क्रीन क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप गेम खेलते हैं चाहे कोई मूवीज देखते हैं तो आपको जो क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं हम इसी स्मार्टफोन को रैम को लेकर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 8GB का रैम। साथ ही साथ बात करें स्टोरेज को लेकर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 120GB का स्टोरेज, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप फोटोज वीडियो सब स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं और मेरे हिसाब से सफिशेंट है एक फ़ोन के अंदर में। दोस्तों मैं 100% श्योर हूँ कि आप सब में से काफ़ी सारे लोग इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे। तो मैं आपको बता दूँ इसके अंदर में आपको देखने को मिल जाता है मीडिया ट्रक का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर नहीं बल्कि मीडियाटेक का डायमंडसिटी 1200 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और ये काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। अगर आप फ्री फायर या फिर बैटल ग्राउंड मॉल इंडिया जो कि पबजी ही है और साथ साथ आप कोई और भी गेम अगर खेलते हो तो आप हाई रेजुलेशन में हाई सेटिंग में खेल सकते हो और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। कोई लैग का प्रॉब्लम नहीं, कोई हैंग का प्रॉब्लम नहीं, हीट का भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और ये काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर में से एक है। दोस्तों अगर आप भी ज़्यादा गेम खेलते हो तो यहाँ पे आप पावर बैंक भी परचेज कर सकते हो। आपको 2000 के अंदर में ही अच्छा सा रेडमी का पावर बैंक देखने को मिल जाएगा जिसका आप यूज कर सकते हो। मैं भी पर्सनली यूज करता हूँ क्योंकि काफ़ी बार हमें वीडियो वगैरह शूट करना होता है तो यहाँ पे हमको जो है काफ़ी ज़्यादा बैटरी को लेकर परेशानी होने लगता है क्योंकि हमारे फ़ोन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ 5000 mAh का बैटरी है। इसी कारण से हमें प्रॉब्लम भी होता है, इसी कारण से हम भी पावर बैंक यूज करते हैं 20,000 mAh का जो कि ठीक ठाक ही हमें बैकअप प्रोवाइड कर देता है। तो अगर आप भी ज़्यादा गेम वगैरह खेलते हो या फिर कोई काम करते हो तो यहाँ पे आप पावर बैंक भी ले सकते हो। तो साथ साथ आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड वर्जन 11 जो कि सही है। और दोस्तों ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे कि ओप्पो और जो OnePlus कंपनी है दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कर चुका है, उनके तरफ से भी आपको कुछ स्मार्टफोन नया देखने को मिल सकता है। साथ साथ इन दोनों के जो OS है ऑक्सीजन OS और कलर OS वो दोनों भी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर चुके हैं और कुछ बताया जा रहा है कुछ न्यू OS भी आपको देखने को मिल सकता है। देखते हैं वो किस प्रकार से होने वाला, क्या ये OnePlus में आपको देखने को मिलेगा या ओप्पो के फोन में देखने को मिलेगा। हो सकता है ये दोनों ही फोन के अंदर में आपको देखने को मिल सकता है, अभी कुछ नया OS भी हमें देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, मुझे भी पर्सनली वेट करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों आप सबके एक एक लाइक से मैं काफी ज्यादा मोटिवेट होता हूँ। साथ साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल से पूछा पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लिए सब्सक्राइब ऑल वाले ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दें लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो का अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। साथ साथ कॉमेंट करके अपना राय जरूर दें। मैं आपको यही कहना चाहूँगा लाइक या डिसलाइक दोनों में अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें और साथ साथ अपना कॉमेंट में बताएं कि आपको क्या पसंद नहीं आया, उसे हम ठीक करने का कोशिश भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसका यूजर आईडी है sippuja.899, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर चेक कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं फेसबुक पे तो मेरा एक पेज है जिसका यूजर आईडी है sippuja.899, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। साथ साथ कुछ भी सवाल पूछना हो या फिर तुरंत जवाब चाहिए तो ट्विटर पे जाकर मुझे टैग कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं जिसका यूजर आईडी है sippuja5, लिंक ऑन डिस्क्रिप्शन। साथ ही आपको लिंक डिस्क्रिप्शन जो मिलेगा वहाँ पे आपको काफ़ी सारे मेरे YouTube चैनल का भी देखने को मिलेगा। वहाँ पे हम हर रोज़ वीडियो डालते हैं, फैक्ट वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी, हर रोज़ हम 3 लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं क्योंकि हमारे पास लगभग 16 से भी ज़्यादा चैनल अभी एक्टिव है। तो आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा।